अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अनुज जी, बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल हमने 2800 तक कारोबार करते हुए देखा था, लेकिन देख रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ पर आज कुछ रिकवर हुई हैं और 2900 तक जाती नजर आई हैं। अनुज जी, बिनौला खल के फंडामेंटल्स देखें तो मजबूत ही हैं, तो ये बिनौला खल अब गिरा क्यों था और अब ये जो रिकवरी आई है तो क्या ये आगे 3000 के ऊपर फिर से देखने को मिल पाएगा? देखिए, अभी लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन नेगेटिव है। हमें लगता है कि कॉटन से डॉल के इतने भावों में डरबी का रुख रहेगा, क्योंकि जो डिमांड है वो अभी थोड़ी कम है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं जब भी बारिश का सीजन आता है तो पशु जो है वो नेचुरल चारे की तरफ जाते हुए दिखते हैं, हरे चारे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो सरसों की खल भी मार्केट में आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी जो पशु है वो उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, वो खाना चालू कर देते हैं, तो अल्टरनेट प्रोडक्ट कुछ और आने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि नो डाउट की जो कॉटन सीड ऑयल है वो काफी अच्छा रहता है, मगर वो महंगा होने की वजह से लोग कहीं ना कहीं दूसरे उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि अभी थोड़ी सी जो शिफ्टिंग है वो रहेगी और भाव अभी कुछ और नरम होते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेक्टेड है कि भावों में एक बार 2700 से लेकर 2800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी,